हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वीडियो नंबर 14 में हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सम मल्टीपल्स एंगल्स के फॉर्मूले का प्रूफ किया था, ठीक है। तो अभी सम मल्टीपल एंगल्स के उसी टॉपिक में अभी मैं आपको कुछ तीन आइडेंटिटी और बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हमने जो वीडियो 14 में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि साइन टू थीटा होता है बेटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ये चीज हमने पढ़ी थी, ये हमारी आइडेंटिटी सम मल्टीपल एंगल की पहली आइडेंटिटी थी। अब इसी आइडेंटिटी की एक और कंडीशन होती है, साइन टू थीटा को हम ये भी लिखते हैं टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का कैसे प्रूफ हुआ वो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो वी नो दैट साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अपॉन वन, बिल्कुल लिख सकते हैं, बात तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो है वही चीज। अब वन को लिखने का मकसद क्या है, यहाँ पर वन को लिखने का मोटिव यह है कि मैं वन को यहां लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या है मेरे पास टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या करना है जैसे मैंने पहले किया था डिवाइड, क्योंकि हमें टेन में चेंज करना है ना पूरा क्वेश्चन, आंसर टेन में चाहिए, प्रूफ टेन में है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आप ध्यान दोगे तो साइन टू थीटा की आइडेंटिटी आपके सामने आ जाएगी, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक कॉस से कॉस की पावर गई, यहां पूरा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, यहां साइन अपॉन कॉस टेन बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में ना, हमें टू साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ठीक है, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर वन बचा और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया वन प्लस ये कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन टू थीटा का आपका सेकंड फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, सम मल्टीपल फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई इसको ध्यान रखिएगा कि एंगल का हमेशा हाफ ही रखना है, अगर मान लो यहाँ साइन थीटा लिख दूं मैं टू थीटा की जगह, यहाँ थीटा आ जाए तो हमें दोनों जगह थीटा का हाफ लेना पड़ेगा, थीटा बाय टू हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी, टू टेन थीटा बाय टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा उस केस में। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरीके से बेटा कॉस टू थीटा के हमने जो है तीन फॉर्मूले प्रूफ किए थे, इसी तरीके से कॉस टू थीटा का फोर्थ फॉर्मूला ये भी होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, ये भी सिचुएशनली काफी यूज होगा, तो इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला बना है। आइए इसका प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूले का कि किस तरीके से फॉर्मूला आइडेंटिटी क्रिएट हुई है। वी नो दैट कॉस टू थीटा हमें पता है कितना होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके नीचे अगर मैं वन लिख लूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं होगी, वन तो लिख सकते हैं, डिवाइड वन से किसी चीज को करो वही चीज रहेगी। यहाँ वन लिखने का टारगेट क्या है हमारा, हमारा यहाँ पर इसका लक्ष्य ये है वन लिखने का, इससे हमें यहाँ ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब कॉस साइन बन जाता है तो क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दिया था, सेम टू सेम यही कर देंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या कॉस स्क्वायर थीटा से सबको डिवाइड कर देते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी, जब ये कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा वन, जब इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है टेन, और जब इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे क्या बनेगा वन, और जब इसको कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करोगे क्या बनेगा टेन, वन प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल है, कॉस थीटा की आइडेंटिटी प्रूव हो गई, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ आ गया। कॉस थीटा को पहले हमने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या मान लिया 1, 1 को क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या करा, डिवाइड करा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, जिससे कि ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दैट्स इट, फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, अभी इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला भी क्रिएट हो गया, आपको याद भी करना है, इस फॉर्मूले को प्रूफ कराई दिया है मैंने आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा आपको जो दूसरी बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ये तो हमारे मल्टीपल एंगल फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसको हम सब मल्टीपल फॉर्मूला भी बोलते हैं, पर सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला जब बोलेंगे, जब आप यहाँ 2 थीटा की जगह आइडेंटिटी में क्या लिखोगे, सिर्फ थीटा यूज करोगे, 2 थीटा की जगह क्या यूज करोगे, सिर्फ ओनली थीटा। ठीक है ना, किस तरीके से, मान लीजिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा है अब सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, इसका मैं प्रूफ नहीं करूंगा, अब आप समझदार हो तो समझ जाओगे, सब मल्टीपल्स एंगल्स। मान लीजिए वहां पर साइन 2 थीटा की जगह साइन थीटा होता तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी बेटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 एंगल का हाफ। मैंने बताया था ना, जो भी एंगल यहां होगा वो आपको आधा आधा कर देना। दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं हम, इसके हिसाब से 2 टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ भी करा है, साइन 2 थीटा का एंगल देखो हाफ हुआ, 2 थीटा का हाफ थीटा ही तो होता है, 2 थीटा का हाफ थीटा ही तो होता है, तो इसलिए साइन 2 थीटा के लिए हमने यहां पर क्या लिया, थीटा लिया। अब जब यहाँ 2 थीटा की जगह थीटा हो जाएगा तो यहाँ दोनों जगह थीटा बाय 2 आएगा, तो बस ये आपका सब मल्टीपल फॉर्मूला बन गया साइन थीटा का, कितना 2 टेन थीटा बाय 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी तरीके से कॉस थीटा का भी सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक ये भी बन सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तीसरा फॉर्मूला क्या था वो मैं यहां लिख देता हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, क्योंकि एंगल का हाफ लेना। और टेन वाला लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना, इस एंगल का हाफ लेना होता है। तो कॉस थीटा के हमारे 1 2 3 4 वही फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हमने, 4 फॉर्मूले तो प्रूफ करें। इसी तरीके से टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा सब मल्टीपल में, 2 टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आपका टेन थीटा का फॉर्मूला है, 2 टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है भाई, तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेटा इस तरीके से ये हमारे फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। अब इन्हीं फॉर्मूले से हम आगे के और भी बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ।